भाई वर्सेस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग। सो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं भी एक्सरसाइज करके रुका हुआ हूँ और काफ़ी ज़्यादा। अभी मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग में भी 8 बज रहे हैं भाई। और अभी मैं लेट के थोड़ा सा मुझे लेटे लेटे आज वीडियो का स्टार्टअप करते हैं। तो भाई फाइनलाइज अपने बाइक की सारी चीज़ें रिजॉल्व हो गई है। वो चीज़ें क्या है भाई, विंडो के नीचे लेटा था, काफ़ी मस्त चिल्डनेस मिल रही थी भाई। बाकी बाकी जान सकते हो, गाँव में सुबह सुबह स्टार्टिंग हो जाती है क्लबिंग। कभी अपनी बाइक बाहर खड़ी हुई नहीं, चल के दिखाता हूँ। सारी चीज़ें ऑल राइट हो चुकी हैं अभी, चलो बाहर दिखा। अभी अपनी सारी बाइकों की कीज रखी रहती है, ये अपनी बाइक की की लिए। और यहाँ पे अपनी बाइक पार्क है अभी फ़िलहाल। तो अभी सुबह का टाइम है, शाम से नहीं, कल से खड़ी हुई बाइक। और जानते हो पीछे से भाई आवाज़ इस तरीके से आ रही। और मैं आपको दिखा दूँ, इधर साइड में कुछ काम लगा, बड़ी आवाज़ आ रही भाई। बाकी मौसम बहुत ही तगड़ा हुआ है, मौसम का तो कुछ पता ही नहीं है, बहुत ही तगड़ा हुआ है। और ये देख लो अपनी प्यारी बाइक। अभी मैं इसको साइड का स्टैंड हटा के, ये भैया की मेरी स्लीपर है भाई की, अभी इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, आप लोग को क्या बताता हूँ क्या रीज़न से स्टार्ट। ऑल राइट भाई, फाइनली आप सभी देख सकते हो कि अपनी बाइक जो होगी है स्टार्ट हो चुकी है। तो इसका मेनली रीज़न क्या हुआ मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को। मेरी बाइक के अंदर अभी कोल्ड स्टार्ट हो गई है। तो भाई मेन रीज़न क्या था अपने बाइक का, जो वो दिक्कत आई थी आप लोगों के साथ, वो प्रॉब्लम ना हो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो ये स्टार्टिंग में नहीं कि आप सेल्फ मारो तो बाइक स्टार्ट नहीं होती, आप एक्सलेट करके स्टार्ट करो तो स्टार्ट होती है, फिर छोड़ दो तो बंद हो जाती है। अब इसको बंद होने दे दो, फिर उसके बाद बात करते हैं। बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी है, क्योंकि मैं जिस दिन बाइक धुलता हूँ उस दिन अक्सर करके शाम में बारिश हो जाती है। और अभी नॉर्मलाइज हो गई अपनी बाइक। तब मैं बताता हूँ भाई, देखो मैंने लगाया हुआ है डुअल हॉर्न, ये देख सकते हो, रूट्स के डुअल हॉर्न लगवाया है विथ 4V कॉर्नर, यानी कि इसके रूट्स के ओरिजिनल नहीं है बट लेकिन हैवी ड्यूटी का, यानी कटआउट मैंने लगा रखा है 30 एम्पियर के 12 वॉट का। तो अब दिक्कत ये आती है कि मैं ये देखो एक वायर यहाँ से बैटरी से लेके आया हूँ, तो ये वायर से कंपनी वाले बोल रहे हैं कि भाई ये वायर से ही मिस्टेक था, क्योंकि वायर से बैटरी यहाँ पे जो लगी हुई है इनकी, यहाँ पे इसके पीछे लगी हुई है भाई। यहाँ पे ये दिक्कत आती है कि वो दिक्कत ये आती कि यहाँ पे जो इनकी बैटरी में वो कार्बन वगैरह कुछ मामला है वो अटक जाता है, तो उस वजह से इंजन लाइट हमारी यहाँ पे ऐसे आ जाती है। देख लो यहाँ पे इंजन लाइट जैसे आ रही है। अभी मैं स्टार्टअप मारूंगा, मैंने वो चीज़ रिजॉल्व करवा ली है, तो अपनी बाइक एक बार मेरी स्टार्ट हो जाएगी। और एक चीज़ है भाई जो कि अपनी बाइक में होने वाले हैं, यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स आने वाला है, यहाँ पे ग्राफिक आने वाला है, आज अपनी बाइक के अंदर काम होने वाला है। आज मॉर्निंग से ही मैं एक्टिव हूँ, क्योंकि भाई मॉर्निंग में आज एक्सरसाइज की बहुत टाइम बाद, अभी बच्चे भाई आवाज़ कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ग्राफिक आने वाला है, यहाँ पे ग्राफिक आने वाला है, और यहाँ पे भी ग्राफिक आने वाला है। तो वो क्या चीज़ मैंने बहुत ही टाइम से रख के ग्राफिक डिज़ाइन की है, तो वो चीज़ जल्द से जल्द आप लोग को देखने मिल जाएगी। उसके लिए भाई आप सबको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, जैसे वीडियो आएगा इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगा। यहाँ से ये पूरा, यानी कि पूरी डस्टिंग है, आज पूरी बाइक वॉश होगी, उसके बाद जाएगी ग्राफिक में, उसके बाद फिर चैन क्लीन होगी अपनी। तो ऑल राइट, बाकी सब चीज़ें ठीक है। बाकी मैं एक चीज़ बताऊँगा कि जब भी मैं बाइक धुलता हूँ भाई, कुछ ना कुछ बारिश का मौसम ऐसा सीन ही बन जाता है। तो अभी निकालेंगे अपनी बाइक को, ले चलेंगे, उसका नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पूरा शेयर करूँगा। मैं ये चीज़ बता दूँ कि ये जो प्रॉब्लम आप लोग की स्टार्टिंग वाली आ रही है बैटरी से, कुछ अगर आप वायरिंग करवाएं। और दूसरी चीज़, जब भी मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम आई हुई, मैंने बाइक को वॉश किया हुआ है, आप एक बार बाइक वॉश करके ज़रूर से ज़रूर चेक कर लो। तो वॉश करने के बाद तो ज़रूर से ज़रूर आपका ये मॉनिटर रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वॉश करने के बाद यहाँ पे जो ऑक्सीजन सेंसर है, ये चीज़, ये यहाँ पे जो ये चीज़ से कुछ मामला है ऑक्सीजन सेंसर, क्योंकि स्टार्टिंग से ये फर्स्ट लॉट का माल आया हुआ था और बाकी ये बैटरी का। तो ये दोनों मामला आप रिजॉल्व करके करेगा, ऐसा कोई मामला आया करिए तो बाइक वॉश कर लिया करिए 100%, ये आपका मामला रिजॉल्व हो जाएगा। चलो अनदर वीडियो के अंदर मिलते हैं भाई, वो ग्राफिक वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। सुबह का माहौल है भाई गाँव में, व्लॉगिंग करना इज़ टू मस्ट ऑफ कॉम। चलो बाय बाय।